खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन। सो 3 अक्टूबर को बिग बॉस 14 रिलीज हुआ और सिद्धार्थ भाई ट्रेंड हुए डे 1 पर, उसके बाद डे 2 पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो गाइस लगातार 3 अक्टूबर से लेकर आज 12 अक्टूबर हो चुके, डेली सिद्धार्थ भाई ट्रेंड करते हुए आ रहे हैं। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिग बॉस मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट टॉप 5 कौन से हैं। मगर उससे पहले एक बार उन तटपुंजों के बारे में बात कर ली जाए जो सोशल मीडिया पर आकर रोते रहते हैं, और इनको रोने का कुछ भी बहाना चाहिए, कुछ भी मतलब आप कोई इनकी बात ये लेकर आते हैं, आप उनका रिप्लाई करो, फिर ये कुछ भी बहाना ढूंढ लेते हैं। क्योंकि इनके पिछवाड़े में जो मिर्चें डाली गई थी 15 फरवरी को, वो अभी तक निकली नहीं है, वो अभी तक इनको हजम नहीं हुई है। तो पता नहीं अब क्या मतलब ये कहां जाएंगे। पहले इन लोगों ने बोला कि सिद्धार्थ को काम नहीं मिल रहा, अब भाई सिद्धार्थ का काम मैंने दिखाया था एक वीडियो के अंदर कि क्या क्या काम मिला है सिद्धार्थ भाई को। अब ये बोलते हैं कि सिद्धार्थ को सिर्फ कलर्स वाले ही काम देते हैं। अब वे टट पूंजी हो, थोड़ी तो शर्म कर लो, कहां जाके मानोगे तुम लोग। सो गाइस आज मैं आपको बताने वाला बिग बॉस टॉप 5 मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट। वैसे तो सिद्धार्थ भाई कंटेस्टेंट नहीं है, बट अभी घर के अंदर है एज अ सीनियर कंटेस्टेंट मान लो, या फिर एज अ सीनियर गेस्ट मान लो, या कुछ भी मान लो, बट बिग बॉस हाउस के अंदर है सिद्धार्थ भाई साथ में हीना खान और गौहर खान। तो भाई लिस्ट आउट हो चुकी है फिर से, और मैक्स का सर्वे आ चुका है। तो भाई सर्वे के अकॉर्डिंग जो ऑल ओवर इंडिया किया गया है उसके अकॉर्डिंग अगेन नंबर 1 पर है सिद्धार्थ भाई। They say a lot of people wear their hearts on their sleeves, but you guys can wear it on your face. So guys, number 2 पर है जैस्मिन बसीन। बिग बॉस 13 के अंदर ही काफी लोगों का दिल जीत लिया था, मगर अभी खेल उतना दिख नहीं रहा है। और जैसा कि वीकेंड का वार में सलमान खान को प्रॉमिस किया है कि अब मैं जीत जान लगा दूंगी और फाड़ के रख दूंगी सबकी, तो देखते हैं भाई क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर। मगर अभी के लिए जैस्मिन बसीन है नंबर 2 पर आफ्टर सिद्धार्थ भाई। कुछ नहीं होगा, देख अभिनव की गोलियां ना तेरी भी खुल जाएगी। एक्सेप्टेबल नहीं है। सो गाइस नंबर 3 पर है हीना खान। हीना खान के बारे में मैं ज्यादा क्या बोलूं क्योंकि मेरे को इतना कुछ पता नहीं है हीना खान के बारे में, ना ही मैं हीना खान का फैन हूं, बट हां घर के अंदर अभी जैसा चल रही है बंदी ठीक है, अपना एंजॉय कर रही है, उसको पता है मेरी पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर गिर चुकी है, 14 दिन बिताने हैं घर के अंदर और फिर चले जाना, और इनको लड़ने दो, जो घर के अंदर करना है करो, मरो पीटो जो करना है करो। और नंबर 4 पर है गाइस द पहाड़न बंदी, नाम क्या है रुबीना है नंबर 4 पर। काफी फैन फॉलोइंग पहले से ही है टीवी की, अब देखना यह कि उस फैन फॉलोइंग को बढ़ाया जाएगा या फिर कम किया जाएगा। ये बढ़ाना और घटाना सब रुबीना के हाथ में है, वैसे मुझे तो अभी घटते हुए ही दिख रही है। तो जब अगला सर्वे आएगा उसमें हमको पता चल ही जाएगा। और नंबर फाइव पर है जो सीनियर बन चुकी है निकी तंबोली। तो प्लेट्स नहीं धोऊंगी क्योंकि मेरे मैनिक्योर खराब हो जाऊंगे, तन फिलहाल नहीं क्योंकि अभी अभी आई हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे नेल्स टूटे। भाई अभी तक बिग बॉस हाउस के अंदर वही बंदी दिख रही है, और देखना ये है कि अब आने वाले हफ्तों के अंदर कैसे निकी तंबोली दिखते हैं, क्योंकि अभी तक जो घर का माहौल है ना उसके अकॉर्डिंग भाई अंधों में काणा राजा है निकी तंबोली। तो देखते ही हैं ये काणा राजा क्या असली में राजा बन पाता है, मतलब कि रानी, और अगर कोई और इस बंदी को पछाड़ देता है तो क्या होता है आने वाले दिनों के अंदर, हमको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो अभी तक के टॉप 5 एज पर फर्स्ट वीक ये है। तो कुछ नल्ले के पिल्ले मेरी लास्ट वीडियो के अंदर भोंकने के लिए आए थे, तो उनको मैं बोल दूं कि मैंने जितनी भी पुरानी वीडियो लॉक कर रखी थी अब अनलॉक हो चुके हैं, जाओ और वहां पे भी जाके भूको, थोड़े कमेंट सेक्शन को रंगीन करो वहां के। सो अभी के लिए बाय, और मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून, बाय।